बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर उठे तूफान के बीच वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उन्हें देश छोड़कर भारत में सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। आइए जानते हैं मोहम्मद यूनुस की पूरा कहानी अब और बांग्लादेश के कमाल संभालने जा रहा है। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को चिट्टागांग पूर्वी बंगाल में हुआ था, जो बाद में बांग्लादेश में चला गया। मोहम्मद यूनुस का शुरुआती पढ़ाई लिखाई चिट्टागांग स्कूल से हुआ, लेकिन बाद में हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट किया। वर्ष 1997 में इकोनॉमी से बीए किया और वर्ष 1960 में एएमए में दाखिला किया। मास्टर डिग्री के बाद मोहम्मद यूनुस के रिसर्च के लिए इकोनॉमिक्स ब्यूरो में शामिल हो गया। वर्ष 1965 में मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में पढ़ाई के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला था। वर्ष 1969 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया, बाद में उन्हें प्रोफेसर भी नियुक्त किया गया। 1974 में अकाल के दौरान आर्थिक पहलुओं का अध्ययन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की नींव रखी। यह बैंक माइक्रो क्रेडिट गरीब लोगों को बिना गारंटी को छोटे ऋण प्रदान करता है। इनके इस सामाजिक कार्यों को देखते हुए वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अब उन्हें बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद 6 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। बांग्लादेश का न्यू प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। आइन अनुजाई